हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनपीएससी ज्ञान भंडार। सब्सक्राइब माय चैनल एनपीएससी ज्ञान भंडार एंड अल्सो टेप दी बेल बटन फॉर अपडेट्स। माय सेल्फ निर्मल प्रजापति। ऑनलाइन क्लासेस बाय एनपीएससी ज्ञान भंडार। क्लास 5 to 10। सब्जेक्ट मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर ऑफ एनी बोर्ड्स, आईसीएसई, सीबीएसई, जैक और एनी स्टेट बोर्ड ऑफ इंग्लिश मीडियम। क्लास 11th एंड 12th, सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस ऑफ एनी बोर्ड, SSC, CBSE, जैक और एनी स्टेट बोर्ड ऑफ इंग्लिश मीडियम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9431703940। एंड नोट, पर्सनल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ऑल्सो गिवेन हियर। COVID-19, स्टे एट होम, स्टडी एट होम। ये CBSE क्लास 4 साइंस चैप्टर 1 है, ओके। जो कि चैप्टर 1 क्या है, माय बॉडी। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे हमारे बॉडी के बारे में, ओके, कि मेरे बॉडी में क्या क्या है, कैसे वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, टंग, ईयर्स, स्किन, नोज एंड आइज। मतलब पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, मतलब क्या क्या सेंस ऑर्गन्स होता है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स होता है जिससे हम सेंस करते हैं अपने आसपास के चीज़ों को, ओके। वो कौन कौन से हैं, टंग है, ईयर्स है, स्किन है, नोज है एंड आइज है, ओके। तो ऑल दीज पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड एंड आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और ये सारे पार्ट्स जो बाहर से दिखते हैं, ओके, हम लोग इससे बाहर से देख सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ओके। तो ये सबको एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं जो बाहर से दिखते हैं हमारे बॉडी में। दीज आर सेवरल बॉडीज, देयर आर सेवरल बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो बॉडी के इनसाइड है, मतलब अंदर है, जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं बाहर से। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। वैसे पार्ट्स को क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स बोलेंगे। तो देखिए, नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स बोल रहा है, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के नाम बताने बोला है आपको, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आवर बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हम लोग का बॉडी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ही जटिल सिस्टम है इसमें, ओके। इट वर्क्स लाइक अ मशीन विथ द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। मतलब ये एक मशीन की तरह काम करता है, और किसकी मदद से, इसमें जो जो ऑर्गन्स है उसकी मदद से। द ऑर्गन्स फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम, ओके, और ऑर्गन्स किस अलग अलग सिस्टम्स को होते हैं, ऑर्गन्स जो है अलग अलग सिस्टम फॉर्म करते हैं। द ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स, ओके, मतलब वही ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, अलग अलग सिस्टम बनाते हैं। आवर वन सच सिस्टम इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कुछ एक सिस्टम से क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, मतलब पाचन सिस्टम, ओके, पाचन क्रिया। द माउथ, फूड पाइप, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन आर द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इस सब क्या है, माउथ, फूड पाइप, स्टोमक और इंटेस्टाइन से क्या बनता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इतना ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स है, ओके। सिर्फ माउथ एक क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, बाकी सारा इंटरनल ऑर्गन्स है जिसको हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, एक डायग्राम बनाया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ओके। तो बच्चों, आप इसे, इस डायग्राम को कॉपी में ड्रॉ करें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आता है, या तो लेबल करने आएगा या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करने आएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम आप कॉपी में बनाएं और नेमिंग भी करें। देख रहे हैं आप, माउथ है, फिर फूड पाइप है, फिर स्टोमक है, फिर लीवर है, फिर पेनक्रियाज है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है, फिर एनस है, ओके। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसको देखते हैं। व्हाट हैपन टू द फूड दैट वी ईट, क्या होता है उस खाना का जो हम खाते हैं। द फूड कंटेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ओके। तो फूड में क्या क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है,
प्रोटीन्स रहता है, फैट्स रहता है और अदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. ओके, दीज आर कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स. ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स है एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जिनको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, स्मॉलर पार्ट्स में उसको ब्रोकन करता है, मतलब सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रॉक डाउन करता है. ओके, मतलब तोड़ता है सिंपलर फॉर्म में, जिसको हमारा बॉडी यूज करता है. तो ये काम कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? हमारे फूड में जितने भी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्या करता है, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशंस बोलते हैं. ओके, लेट अस सी हाउ आवर माउथ, which is the first part of our digestive system, helps in the process of digestion. चलिए देखते हैं कैसे हमारा माउथ, जो कि फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कैसे डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है. ओके, तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्या है? माउथ. आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हिज और हर माउथ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. बोला कि अपने दोस्त को बोलिए कि मुँह खोले और आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करें. ठीक, ऑब्जर्व करना है, मारना नहीं है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मार देते हैं. यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड टंग इन द माउथ. तो आप आप देखेंगे कि बहुत सारे टीथ होंगे और टंग होंगे माउथ में. ओके, और अलग अलग शेप के टीथ होंगे. तो चलिए आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं. सेकेंड पार्ट है टीथ. ओके, माउथ का ही पार्ट है ये टीथ. ओके, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ. टीथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सपोज आपका टीथ ही नहीं रहेगा तो कैसे खाइएगा, चबाइएगा कैसे? तो टीथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड. दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. टीथ जो है हमारा क्या मदद करता है, खाना को तोड़ने में और चबाने में मदद करता है, और ये हमारे फेस को भी शेप देता है. ओके, और क्या करता है, क्लियरली स्पीक, मतलब क्लियरली बोलने में भी मदद करता है. अगर टीथ जिसका नहीं रहेगा, जैसे ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर का देखिएगा, जिनका टीथ टूट चुका होता है, उनका फेस भी क्या होता है, उस जगह घुसा हुआ रहता है, मतलब अंदर की ओर रहता है. ओके, और आवाज़ भी क्लियर नहीं रहता है. तो ये टीथ जो है हमारे फेस को भी शेप देता है और क्लियरली बोलते भी हैं. ओके, इससे तो टू सेट्स ऑफ टीथ. चलिए देखिए टू सेट्स ऑफ टीथ क्या क्या है. ए बेबी इज बोर्न विथ नो टीथ. मतलब जो बेबी जो जन्म लेता है उसका कोई टीथ नहीं होता जब वो जन्म लेता है तो. ओके, व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड हिज और हर टीथ बिगेंस टू अपीयर. जब वो बेबी कितने मंथ का हो जाता है, 6 मंथ का हो जाता है, तो क्या होता है, उसका टीथ आना स्टार्ट हो जाता है. बाय द टाइम द बेबी इज 3 ईयर्स ओल्ड ही और सी हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ. और धीरे धीरे जैसे ही वो बेबी 3 साल का हो जाता है तो क्या होता है, उसका 20 टीथ कंप्लीट हो जाता है, मतलब 20 टीथ हो जाता है. 20, ओके, 20. दीज आर टेम्प्रोरी एंड आर कॉल्ड द मिल्क टीथ. ये क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है, मतलब कुछ साल बाद ये टूट जाते हैं सारे टीथ. ठीक, जिनको मिल्क टीथ भी बोला जाता है, और उसके बाद फिर दूसरे नए टीथ आते हैं. बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years, the milk teeth fall out one by one and new ones grow in their place. मतलब between the age of 6, मतलब 6 और 12 साल के बीच में ये मिल्क टीथ क्या हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनके जगह पे नए टीथ आते हैं. तो बच्चों आप लोग का भी टूट रहा होगा किसी किसी का. ओके, दिज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. और यही न्यू टीथ को क्या बोला जाता है, परमानेंट टीथ बोला जाता है. दीज आर 32 इन नंबर्स. और ये परमानेंट टीथ कितना होते हैं, 32 होते हैं नंबर्स में. ओके, काउंट करेंगे तो 32 होगा परमानेंट टीथ, और टेम्प्रोरी टीथ 20 होता है. ये याद रखिए, क्वेश्चन में पूछता भी है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछता है. टाइप्स ऑफ टीथ. अब टाइप्स ऑफ टीथ देखेंगे, कितने तरह के टीथ होते हैं. तो फर्स्ट है फ्लैट टीथ. ओके, फ्लैट टीथ आप देख रहे हैं, इधर एक फिगर बनाया हुआ है टीथ का. ओके, देख रहे हैं आप, अलग अलग तरह के टीथ हैं, टंग है. ओके, तो देखिए फ्लैट टीथ भी दिखाया हुआ है, पॉइंटेड टीथ भी दिखाया हुआ है, और ब्रॉड और ग्रोव टीथ भी दिखाया हुआ है. ओके, फ्लैट टीथ. फ्लैट टीथ किसको बोलते हैं, द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ आर फ्लैट एंड
आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड, मतलब जो मुंह के फ्रंट में आगे साइड मतलब एकदम फ्रंट में है वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इनका यूज क्या होता है बाइटिंग के लिए या फिर कटिंग के लिए। कुछ भी चीज़ हम लोग जैसे मुंह में एंटर करते हैं तो ये क्या करता है उसको कट करता है पहले, तब जाके अंदर की ओर जाता है। तो ये बाइटिंग या कटिंग के लिए यूज होता है, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ द फूड। ओके, फ्लैट टीथ इनको बाइट करता है और कट करता है। दे आर नॉन एज इंसीजर्स, ये सबको इंसीजर्स बोला जाता है। याद रखिएगा, स्पेलिंग को भी ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी लर्न करते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए आप लोग। देयर आर फोर इंसीजर्स इन द अपर जो एंड फोर इंसीजर्स इन द लोअर जो। जो जो पता है ना, ऊपर वाला को एक जो बोलेंगे, नीचे वाला को एक जो, ठीक। तो इस तरह से हमारे माउथ में कितने जो होते हैं, टू जो होते हैं। ओके, तो अपर जो एंड लोअर जो, अपर जो में कितने इंसीजर्स होंगे, फोर इंसीजर्स होंगे, और लोअर जो में कितने इंसीजर्स होंगे, फोर इंसीजर्स होंगे। ओके, तो इस तरह से ये फ्लैट टीथ हो गया। नेक्स्ट है पॉइंटेड टीथ। पॉइंटेड टीथ चलिए देखते हैं क्या। ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ इज अ शार्प पॉइंटेड टूथ। ओके, दोनों साइड देखिएगा, फ्लैट टीथ के दोनों साइड क्या है, शार्प और पॉइंटेड टूथ है। ओके, एक है, दे आर यूज्ड फॉर टियरिंग द फूड। ये क्या करता है, फूड को टियर करता है, मतलब चीरता है। ओके, जैसे हम लोग कभी कुछ खाते हैं जिनको मतलब क्या चीरना पड़ता है, जैसे सपोज कभी चिकन वगैरह भी खाते हैं तो उनको चीरना पड़ता है, ठीक। तो वो कौन सा करता है, पॉइंटेड टूथ करता है, उसको शार्प पॉइंटेड टूथ उसको टियर करता है। दे आर नॉन एज कैनिन्स, और ये कैनिन्स होता है, ठीक। तो इस तरह से कितने कैनिन्स है हमारे माउथ में, देयर आर फोर कैनिन्स इन ऑल, ठीक। अपर जो में टू एंड लोअर जो में टू कैनिन्स। ओके, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टीथ है ब्रॉड एंड ग्रुप टीथ। ओके, चलिए इसको जानते हैं क्या है। द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ एंड आर ब्रॉड एंड हैव ग्रुप्स इन देम। ओके, तो जो टीथ है माउथ के पीछे साइड वो सब क्या है, ब्रॉड है मतलब चौड़े हैं, और ग्रुप्स हैं, ओके, मतलब बड़े भी हैं थोड़े। ओके, ग्रुप्स। ओके, दे आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। इस सबका यूज क्या, ये क्या करता है, फूड को चबाता है। फूड देखिए कटिंग होने के बाद क्या करता है, हम लोग चबाना पड़ता, तो चबाते कहाँ पे, इन टीथ पे, ब्रॉड एंड ग्रुप टीथ में। ओके, और इनको ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब खाना यहीं पे हमारा क्या पेस्ट जैसे बनता है चबा चबा करके। दे आर नोन एज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, तो इस सबको प्रीमोलर्स एंड मोलर्स बोलते हैं। देयर आर एट प्रीमोलर्स इन ऑल इन द अपर जो एंड फोर इन द लोअर जो, ठीक। अब टोटल कितने प्रीमोलर्स है, एट प्रीमोलर्स है, अपर जो में फोर, लोअर जो में फोर, एंड दे आर नेक्स्ट टू द कैनिन्स, और ये किससे आगे, कैनिन्स से आगे है। ओके, मतलब पॉइंटेड टीथ से आगे। द मोलर कम्स आफ्टर द प्रीमोलर्स, मोलर्स आता है किसके बाद, प्रीमोलर्स के बाद। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल, ठीक। तो कितने मोलर्स है, ये 12 मोलर्स है टोटल, 6 इन अपर जो एंड 6 इन लोअर जो। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए टीथ, देखिएगा इंसीजर्स टोटल कितने हो गए, 8। ओके, अपर में 4, लोअर में 4, 8 होंगे। पॉइंटेड टीथ कितने हो गए, 4, 8 4 12। ओके, प्रीमोलर्स कितने हो गए, 8, 12 एंड 8 20। ओके, और मोलर कितने हो गए, मोलर है टोटल 12, अपर में 6, लोअर में 6। इस तरह से टोटल कितने टीथ हो गए, 32 टीथ। ओके, तो चलिए आगे जानते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है, देखते हैं। चलिए इसमें है केयर ऑफ टीथ, मतलब टीथ का ध्यान कैसे रखें। ओके, आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे टीथ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर टीथ नहीं रहेगा तो फिर खाना खा नहीं पाइएगा, फिर चिकन भी नहीं खा पाइएगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम, हम लोग को उस पर ध्यान रखना पड़ता है, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ओके, इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे कैन डीके एंड फॉल, अगर हम लोग अपने टीथ का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर फॉल हो जाएंगे मतलब झड़ जाएंगे। तो वे टू प्रोटेक्ट टीथ, कैसे हम लोग टीथ को प्रोटेक्ट करें, क्या क्या तरीका है। तो फर्स्ट है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में दो बार ब्रश करें अपने टीथ को, इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट, एक मॉर्निंग में एक नाइट में, मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट एंड नाइट में आफ्टर डिनर। ओके, सेकंड रेंज और वॉश योर माउथ आफ्टर
एवरी मील, मतलब माउथ को हर एक खाना के बाद, कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद मुंह को वॉश करें, धोएं, उसको कुला करें, ओके ठीक। और बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते हैं, कुछ भी खा जाते हैं और ऐसे ही बस पहुँच लेते हैं और आ जाते हैं, तो इस तरह से नहीं करना। नेक्स्ट है थर्ड, अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और शुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच एज पॉसिबल, ओके। तो बहुत मतलब क्या इसमें अवॉइड करना है मीठा खाना को और शुगर स्नैक्स को। बहुत सारे क्या करते हैं, चॉकलेट्स खाते रहते हैं दिन भर, मीठा खाना नहीं खाना है और ज़्यादा शुगर स्नैक्स भी नहीं खाना है, ओके। केक नहीं खाना है ज़्यादा, ओके। और टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना है, हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना है जितना पॉसिबल हो सके, ओके। नेक्स्ट है फोर, विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स, ओके। डेंटिस्ट के पास जाना है रेगुलर चेकअप्स के लिए, ओके। डेंटल चेकअप्स के लिए मतलब पर थ्री मंथ्स या फिर पर सिक्स मंथ या पर टू मंथ्स में जा सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड गुआवा एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश कैरोट, सच फूड्स गिव एक्सरसाइज टू आवर जम्स, ओके। फ्रूट्स खाना है जैसे एप्पल गुआवा और वेजिटेबल जैसे रेडिश कैरोट, ये सब खाना है। ये सब खाने से क्या होता है, एक्सरसाइज होता है हमारे जम्स का, ओके। नेक्स्ट है सिक्स, क्लीन द टंग एंड रिमूव जम्स, ओके। टंग को क्लीन करना है और जम्स को रिमूव करना है टंग क्लीनर से। बहुत सारे बच्चे ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर यूज ही नहीं करते हैं, टंग क्लीनर यूज करना है, ओके। नेक्स्ट है ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, ओके। कैल्शियम रिच फूड खाना है जैसे अंडा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ओके। इससे क्या होता है, टीथ हमारा स्ट्रांग होता है कैल्शियम रिच फूड खाएंगे तो। तो देखिए द करेक्ट वे ऑफ, देखिए फिगर बनाया हुआ है कैसे ब्रशिंग करना है, ओके। द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ इज शोन थ्रू द फॉलोइंग इंसुलेशन। फर्स्ट क्या करना है, ब्रश अप एंड डाउन इन फ्रंट, पहले तो ब्रश अप करना है मतलब अप में और डाउन में टीथ को सटा करके, बहुत सारे बच्चे ये करते ही नहीं है। देन ब्रश अप एंड डाउन दैट बैक, उसके बाद बैक में करना है पीछे साइड। फिर अलवेज ब्रश द टीथ विथ सर्कुलर मूवमेंट, और सर्कुलर मूवमेंट में करना है, ये नहीं कि अप एंड डाउन कर रहे ब्रश को सर्कुलर में, ओके, नहीं तो छाला पड़ जाएगा मुंह में। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अच्छा एक डी यू नो, क्या आप जानते हैं इफ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग दे कैन कॉज टूथ डिके। अगर चीनी या मीठा चीज़ या फिर बैक्टीरिया अगर हमारे टीथ में रह जाता है तो क्या करता है, टीथ सड़ना स्टार्ट हो जाता है। देखिए कोई कोई बच्चे का काला हो जाता है टीथ, ओके। तो कैसे हो जाता है, टूथ डिके से, और किसी किसी का टीथ रहता ही नहीं है, प्रस खत्म हो जाता है डीके होकर के। तो ये ध्यान रखना है टीथ का। नेक्स्ट है द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ कॉल्ड इनामेल। जो वाइट आउटर कवरिंग है ना टीथ का, वो इनामेल कहलाता है। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इनामेल है, जो वाइट पार्ट है, जिनका बहुत बच्चों का अच्छे से ब्रश नहीं करते तो येलो हो जाता है, ओके। तो वाइट ही रखना है उसको, येलो नहीं होने देना है। नेक्स्ट है टंग क्या है, चलिए देखते हैं। टंग इज द सॉफ्ट रिमूवेबल पार्ट्स इनसाइड आवर माउथ। टंग क्या है, टंग इज ए सॉफ्ट मूवेबल पार्ट्स इनसाइड आवर माउथ। टंग एक सॉफ्ट मूवेबल पार्ट्स है हमारे माउथ में, माउथ के अंदर, ओके। टंग को हम लोग मूव कर सकते हैं और सॉफ्ट है ये, ओके। इट इज यूज टू फॉर टेस्टिंग लिकिंग एंड स्पीकिंग। ये किस लिए यूज होता है, कुछ भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो टेस्ट करने के लिए, फिर लीकिंग के लिए कुछ भी अंदर की ओर निकलने के लिए, ओके। फिर स्पीकिंग बोलने के लिए, अगर टंग नहीं रहेगा तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। इट ऑल्सो पुशेज द फूड इनटू द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, ओके। ये क्या करता है, फूड को पुश करता है फूड पाइप में जब हम लोग खाना निकलते हैं तो। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है इसमें। देख रहे हैं आप, एक है डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर टेस्ट
Its sides are sensitive to sour and salty tastes. The tip of the tongue picks up sweet taste. मतलब जो टंग का बेक साइड है वो सेंसिटिव, वो क्या टेस्ट करता है, बिटर टेस्ट को टेस्ट करता है. ओके, और इट्स साइड्स आर सेंसिटिव टू सोर एंड सॉल्टी टेस्ट. देखिए सोर और सॉल्टी टेस्ट कौन टेस्ट करता है, साइड्स वाला, और टिप वाला क्या टेस्ट करता है, स्वीट टेस्ट. ओके, तो देख रहे हैं आप फिगर में बनाया हुआ है, बताया हुआ है कौन सा पार्ट क्या टेस्ट करता है, तो इसको याद रखिएगा. आगे चलिए देखते हैं. Along with the teeth and tongue, there are three pairs of salivary glands present in the mouth. These glands secrete saliva. Okay, मतलब teeth और tongue के अलावा मुँह में तीन pairs क्या होते हैं, three pairs क्या होते हैं, salivary glands होते हैं mouth में. Okay, और ये glands क्या करते हैं, saliva secrete करते हैं, इससे saliva निकलता है इन glands से. Okay, और ये क्या करता है, चलिए देखते हैं. Digestion of food begins when we put the food in our mouth. Digestion कब स्टार्ट हो जाता है, जब हम लोग मुंह में फूड को डाल लिए तो digestion स्टार्ट हो जाता है. Teeth helps to breaking the food into smaller pieces and chewing it. Teeth क्या करते हैं, break करता है food को और smaller piece में convert, smaller piece में change करता है और चीविंग करता है इसको, मतलब चबाता है. ओके, हेयर द सेलिवरी सेलिवा गेट मिक्स्ड इन मिक्स्ड मिक्स्ड टू द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट. ये और इसमें एक सेलिवा भी होता है जो क्या करता है, सेलिवा माउथ में सेलिवा भी होता है जो खाना को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है. ओके, फूड को सॉफ्ट बनाता है. Saliva convert insoluble starch into soluble sugar. Saliva क्या करता है, insoluble starch को soluble sugar में convert करता है, मतलब हमारे food में जो starch है उसको क्या करता है, sugar में convert करता है. You must have noticed that when you chew chapati for longer time, it starts tasty a little sweet. आप लोग notice किए होंगे कि जब आप बिना सब्जी का कुछ भी चीज़ ऐसे चापाटी ले लीजिए, मतलब रोटी का टुकड़ा चबाइए, तो देखिए कुछ देर बाद वो मीठा लगने लग जाता है. क्यों लगता है, ये सॉल्युबल शुगर की वजह से. मतलब रोटी में क्या रहता है, स्टार्च रहता है, जो सेवा उसको किस में बदल देता है, शुगर में. ओके, जिससे वो मीठा लगने लग जाता है. ड्यू टू दिस एक्शन ऑफ सेलिवा ऑन आवर फूड. ये क्यों होता है, एक्शन ऑफ सेलिवा की वजह से, मतलब सेलिवा के कारण होता है फूड में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to chew the food properly for proper digestion of food. ये बहुत important है कि हम लोग खाना को अच्छी तरह से digestion के लिए खाना को चबाना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से चबाना है. ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चबाते ही नहीं हैं, chewing ही नहीं करते हैं, direct निकल जाते हैं, तो वो नहीं करना है, इससे हमें pain होने का डर है stomach में. ओके, तो इसको चबा करके खाना है, खाना को, food को. Next है stomach. From the mouth, the food goes into the food pipe and enters to stomach. उसके बाद मुंह से कहाँ चला जाता है, माउथ से फूड कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में. उसके बाद फिर कहाँ एंटर होता है, स्टोमक में. द स्टोमक इज़ अ मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर ए फ्यू आवर्स. ओके, स्टोमक क्या होता है, मस्कुलर बैग होता है, मतलब इसका साइज थोड़ा बड़ा, छोटा बड़ा हो सकता है थोड़ा. ओके, और ये मस्कुलर बैग ऑर्गन्स होता है जिसमें फूड स्टोर्ड होता है. ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टोमक. द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हेयर. ओके, इस समय जितना देर में वहाँ स्टोर रहता है फूड, उतना देर वो क्या करता है, वहाँ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड होता है वॉल्स से, स्टोमक के वॉल्स से. ओके, और क्या करता है, फूड को वो आधा, लगभग आधा डाइजेस्ट कर देता है. ओके, और कहाँ भेज देता है इसके बाद, स्मॉल इंस्टेंटाइन में. चलिए इसके बाद देखते हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन. फ्रॉम द स्टोमक द फूड इज पास्ड इनटू ए लॉन्ग एंड कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्मॉल इंस्टेंटाइन. उसके बाद फूड कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में, जो एक लंबा और कॉइल स्ट्रक्चर है. ओके, द स्मॉल इंस्टेंटाइन द लीवर एंड पैनक्रियाज प्रोड्यूस सम डाइजेस्टिव जूसेस. ओके, स्मॉल इंस्टेंटाइन लीवर एंड पैनक्रियाज क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, मतलब उसे डाइजेस्टिव जूस निकलता है. लीवर एंड पैनक्रियाज पोर देयर जूसेस इनटू द स्मॉल इंस्टेंटाइन. लीवर और पैनक्रियाज क्या करता है, अपना डाइजेस्टिव जूस को कहाँ भेजता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में. ओके, दिस जूसेस गेट देन गेट मिक्सड विद द फूड एंड कम्प्लीटली डाइजेस्ट इट
इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन। उसके बाद ये जूस क्या करता है, फूड में मिक्स्ड होता है और कम्प्लीटली डाइजेस्ट करता है स्मॉल इंस्टेंटाइन में ही। तो चलिए देखिए एक, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, द लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये जो लीवर है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे बॉडी का लीवर है, ओके, जिससे डाइजेस्टिव जूस निकलता है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट है लार्ज इंस्टेंटाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंस्टेंटाइन। तो अनडाइजेस्ट फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड जो अभी तक जो अनडाइजेस्ट ही है, मतलब तो लार्ज इंस्टेंटाइन में जितना जो नहीं डाइजेस्ट हुआ वो फूड कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंस्टेंटाइन में। द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंस्टेंटाइन अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट। उसके बाद ये क्या करेगा, जो फूड में वाटर है वो क्या करेगा, उसको अब्जॉर्ब करेगा लार्ज इंस्टेंटाइन, ओके। उसके बाद फिर देन पास इट टू ब्लड। उसके बाद ये क्या करेगा, उसको ब्लड में पास कर देगा, ब्लड में भेजेगा। द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू एनस। और अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट जो है वो कलेक्ट होगा रेक्टम में और बॉडी से बाहर निकलेगा किसके थ्रू, एनस के थ्रू। While eating food, it is very essential to see what should be eaten and how should be eaten. जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, ओके। तो वन शुड फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्या है, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। पहले तो खाना खाने से पहले हाथों को धोना है। सेकेंड, च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोइंग, मतलब खाना निगलने से पहले प्रॉपरली च्यूइंग करना है, चबाना है उसको। थर्ड, नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड, बात नहीं करना है जब हम लोग खाना चबा रहे हों, खा रहे हों, चबा रहे हों, ओके। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे, हमेशा पर डे क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना है। फिफ्थ, ईट ए बैलेंस डाइट, फिफ्थ क्या है, बैलेंस डाइट को भी लेना है, खाना है। सिक्स्थ, टेक फूड एट मिक्स्ड इंटरवल, और फूड को फिक्स्ड इंटरवल में खाना है, ओके। जैसे ये नहीं कि किसी दिन 2 बजे खाएं, किसी दिन 1 बजे, किसी दिन 12 बजे, किसी दिन 8 बजे ही, तो ऐसे नहीं खाना है, फिक्स्ड इंटरवल पे खाना है। नेक्स्ट है, ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, ओके। और हमेशा पर डे क्या करना है, 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। तो नेक्स्ट है, डू यू नो, देखिए ऊपर वाला डू यू नो देखिए, पहले द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर, वेयर एज द लार्ज इंस्टेंटाइन इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है वो 7 मीटर लॉन्ग होता है और लार्ज इंस्टेंटाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डू यू नो कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। कुकिंग जो खाना जो पका करके खाते हैं हम लोग, वो क्या करता है, खाना को सॉफ्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है एंड डाइजेस्टेबल बनाता है। इट किल्स जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड, और ये क्या करता है, जर्म्स को भी किल करता है जो फूड में प्रेजेंट है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड, ओके। क्या क्या इम्पोर्टेंस है फ्रेश क्लीन फूड खाने का, देखिए वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी रॉ फूड भी खाते हैं, मतलब जैसे फ्रूट्स खाते हैं तो पका करके नहीं खाते हैं, वो रॉ फूड हो गया वो खाते हैं, और कभी कभी कुक्ड फूड भी खाते हैं, ओके। लेटस हाउ कुक्ड फूड एज वेल एज अनकुक्ड फूड कैन बिकम द सोर्स ऑफ मेनी इन्फेक्शन। तो देखते हैं कैसे कुक्ड फूड और एज वेल एज अनकुक्ड फूड, मतलब बिना पकाया हुआ खाना, कैसे हमारे लिए सोर्स ऑफ मेनी इन्फेक्शन, मतलब बहुत सारा इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। चलिए देखते हैं, ओके। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन कैरी जर्म्स ऑफ डिजीज विच कैन कॉज डायरिया वॉमिटिंग एंड अदर स्टोमिक एलिमेंट्स, ओके। अनवॉश्ड फ्रूट्स मतलब बिना धोए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं तो उससे क्या हो सकता है, उसके थ्रू जर्म्स ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज बीमारी का जो जर्म्स है वो सब कैरी होगा, जो हमारे बॉडी में डायरेक्ट एंटर कर जाएगा और उसके कारण क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा और अदर स्टोमिक एलिमेंट्स हो जाएगा और दूसरा स्टोमिक प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। तो इसलिए हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से प्रॉपरली धो करके खाना चाहिए, वॉश्ड करके, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट है,
Unwashed fruits and vegetables can also carry eggs of worms. These eggs are too small to be seen by the naked eyes. When these eggs reach to the stomach of human beings, they hatch there and produce worms. Okay, जब हम लोग unwashed fruits या vegetables खाते हैं तो उसमें क्या बहुत सारे eggs होते हैं, worms के eggs भी होते हैं छोटे छोटे, जो हम लोग आँखों से देख सकते हैं. उसको खाना नहीं चाहिए, उससे क्या होगा जब वो हमारे body में enter कर जाएंगे तो ये stomach में क्या हो जाएंगे, hatch हो जाएंगे, जिससे वो worms produce करेंगे. okay, तो next है these worms live in stomach and intestine and consume the food that is meant for the human body. People having worms generally look weak, pale and unhealthy. okay, ये worms क्या stomach में रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जिससे क्या होगा stomach intestine में रहेंगे और क्या करेंगे, जो food human body के लिए वो food को लोग consume करेंगे, जिससे क्या होगा human body को food मिलेगा ही नहीं, energy मिलेगा ही नहीं, जिससे वो people क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. ओके, तो ऐसे पीपल हैविंग वॉर्म्स जनरली लुक वीक, जो आदमी का वॉर्म्स है बॉडी में ओके, वो कैसा दिखेगा, वीक दिखेगा, पेल दिखेगा और अनहेल्दी, मतलब उसका बॉडी पीला हो जाएगा और अनहेल्दी रहेगा वो. ओके, नेक्स्ट है पील्ड एंड कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर एक्सपोज टू फ्लाई एंड डस्ट कैन ट्रांसफर्ड जम्प्स इन टू द बॉडी एंड दस कॉज मैनी डिजीज सच एज जॉन्डिस कॉलेरा एट्सेट्रा. मतलब फ्रूट को पील करना, पील्ड मतलब छीलना है और कट करना है ऐसे फ्रूट्स को जो एक्सपोज विच आर एक्सपोज टू फ्लाइज एंड डस्ट, जो जिससे फ्रूट में जो डस्ट या फ्लाइज हैं वो एक्सपोज हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए, छिलका को नहीं खाना है. कैन ट्रांसफर जम्प, जिससे क्या हो सकता है जम्प्स ट्रांसफर हो सकता है बॉडी में और जिसके कारण जॉन्डिस कॉलेरा आदि बीमारी हो सकता है. कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग कैन आल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग. कुक्ड जो खाना पका हुआ है वो अगर लंबे समय तक अनकवर्ड रहा या अनरेफ्रिजरेटेड रहा, मतलब फ्रिज में नहीं रखा, उसको बाहर में से खुले रख दिए, तो वो क्या हो जाता है फूड पॉइजनिंग हो जाता है, वो फूड खाना हो जाता है, स्मेल आने लग जाता है. दिस हैपेंस बिकॉज जर्म्स देन गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द फूड. ये क्यों होता है, क्योंकि जर्म्स उसमें अपना घर बना लेता है और अपने को मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब अपना नंबर्स बढ़ा लेता है, एक जम्प से दो, दो से जो जितना देर तक फूड रहेगा उतना जम्प्स हो जाएगा. ओके, इसीलिए फूड को ढक के रखना चाहिए. ओके, द जम्प्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस विच कैन कॉज वॉमिटिंग एंड डायरिया. जम्प्स क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है फूड में, जिससे क्या होता है वो खाना खाने के बाद वॉमिटिंग या डायरिया हो जाएगा हम लोग को. ओके, तो नेक्स्ट है डू यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग शुड गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट या कोल्ड बॉइल्ड वाटर कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. क्या आप लोग मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आदमी डायरिया या जिस आदमी का डायरिया या वॉमिटिंग हुआ हो उसको बॉयल्ड वाटर ठंडा करके या बॉयल्ड नमक और चीनी मिला करके देने से क्या हो जाता है वो ठीक हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स आप अपने कॉपी में लिखें और सब लर्न करें. ओके, और चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है. नेक्स्ट पेज में है क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कोड फॉलोइंग है, टिक द ऑप्शन है, एमसीक्यूज है. मुझे लगता है आप अगर वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तो ये सारे आपसे बन जाएंगे. ओके बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अच्छी तरह से देखें, पूरी देखें, और फिर समझ में ना आए तो दोबारा देखें, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे डाउट पूछे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप में. ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. और ये क्वेश्चन आंसर आप खुद से ट्राई करें, फिर भी किसी में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा. ओके, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा. ये खुद से ट्राई करें बच्चों, आप लोग वीडियो को देखें, दो बार तक देखें, मुझे लगता है पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. ओके, तो ट्राई करें बनाने का ये सब क्वेश्चन आंसर. और इसमें क्वेश्चन आंसर भी है कुछ, ये भी मुझे लगता है बन जाएगा, आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, ज़रूर बनेगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जाने सीखे ये चीज़. ओके, थैंक यू. और ये बेस्ड क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इस बेस्ड क्वेश्चन के पहले पैराग्राफ को पढ़े, फिर ये क्वेश्चन का
आंसर फाइंड करने की कोशिश करें। ओके, मुझे डेफिनेटली पता है कि आप ये कर लीजिएगा। ओके, ये बहुत ही आसान है, पढ़ लीजिए, रीडिंग कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर ये क्वेश्चन आंसर ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं, अगर कुछ कमी हो तो बताएं। थैंक यू।